वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। वैसे हालात तो ऐसे नहीं है, इतना महंगा पेट्रोल लोग कहीं जाना बनता ही नहीं है, और मैं इस वक्त भी गाड़ी में हूँ। क्यों गाड़ी पे मैं नहीं बताऊंगी? सबर सबर सबर, दुपट्टा क्यों लिया हुआ है? हाय, लोगों ने फौरन जज कर लिया, एक सेकंड में जज कर लेते हैं भाई हमारे लोग। और ओहो, कान को हाथ नहीं लगाना भाई। सब लोग कहते हैं कि जो ये ब्लॉग शुरू होता है ठट से आप कान पकड़ लेती है, क्यों भाई? देखिए, असल में एक हाथ से फोन पकड़ा होता है तो समझ नहीं आ रही होती दूसरे हाथ से क्या करें। हाँ, स्टीयरिंग भी पकड़ा हुआ, लेकिन बीच में याद आ जाता है माफ़ी मांगना, कान पकड़ना कि हम तो बड़े गुनाहगार हैं, माफ़ कर दीजिए। बहुत लंबी फेंक दी। अच्छा, जा कहाँ रही हूँ? सबसे पहले हम अपना घर सेट कर रहे हैं, और घर सेट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं उसमें प्यारी प्यारी डेकोरेशन। और मुझे क्योंकि इंतहा दर्जे का शौक है, और मेरे काम को उससे भी ज़्यादा शौक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ डिफेंस और वहाँ से जाके अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदो और बस, ठीक है। लेकिन मैं तो मैं हूँ, मैं तो इतनी महंगी जगह नहीं जाऊँगी किसी सूरत भी। मैं तो जाऊँगी जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ कम पैसे देकर ज़्यादा चीज़ें खरीदी जाए, और वो है कहाँ? वो है कहाँ? वो है शालम मार्केट। तो देख के लोगों की नज़रों से लग रहा है कि मैं वन वे तो नहीं जा रही। ओप्स, ये आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सानुनीटा, और मैं हूँ सानुनीटा, और आप हैं राहुल। राहुल, तो इससे पहले कि आप मुझे गोली मार देंगे, ये ब्लॉग फ्लिप कर दें, हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, अब शालम तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? ये वो तो रहा है, इधर है बांसवाला बाजार, वो दूर आपको बांस नजर आ रहे हैं शायद, एडिटिंग में ठीक करूँगी इसको। और ये है जहाँ से हमने घूम के जाना है। यहाँ से आती थी पान गली, ये बचपन में इतनी गलियाँ मैंने इतनी बचपन में देखी हुई है, इतना हम घूमे हुए, क्योंकि मेरी खाला जो रजिया थी और जो काफ़ी हद तक मेरी तरह दबंग थी, उनको बहुत शौक था इधर पान गली आने का और हमें शालम जाने का। और मतलब मुझे तो नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी तब, मतलब 2-3 साल का बच्चा क्या ही होता है कि उसकी भी कोई राय पूछी जाए। हमारे यहाँ पंजाबी कल्चर में तो बिल्कुल ही नहीं पूछी जाती, बड़े होके भी नहीं पूछी जाती थे, छोटे होके क्या ही पूछनी। खैर, मैं खाला से बहुत अटैच थी, और वो जहाँ जाती थी मैं उसका दुम छल्ला जाती थी। तो हमारी कोई 4 कजिन्स थी हमसे बड़ी, बहुत बड़ी, तो उनकी शादियाँ थी, तो उनकी शादियों का जितना जहेज था हमने शालम से ख़रीदना होता था, और पानगली से इंडियन कपड़ा। तो हाँ, अब इस बात पे प्लीज़ मुझे गालियाँ मत दीजिएगा। ये लेडी एचएसएम कॉलेज, वाओ, अस्पताल, ऐसा भी होता है। खैर, एनीवेज, तो जनाब हम अब आहिस्ता आहिस्ता ऊबड़ खाबड़ रस्तों से जा रहे हैं। कि ये मेयो हॉस्पिटल की बैक साइड, अनारकली, यस यस, दिस इज मेयो हॉस्पिटल। उसके ये धोतियों की दुकान, मोर धोतीज एंड मोर धोतीज, धोती धोती नहीं धोती नहीं धोती चेक। इतनी बड़ी गाड़ी में इतना बड़ा पंगा लेके हूँ और मैं आ रहे हैं के पाकिस्तानी है, हमें तुम्हें प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। ए और घोड़े हो गए बराबर, चेक करें। लोग भी सोचते होंगे किस किस्म की व्लॉग बनाती, क्या करती है ये लड़की है, तो सोचे अच्छी बात है, यही मेरी ज़िंदगी है। पहले मैं आप लोगों को दिखाती नहीं थी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है मेरी ज़िंदगी। लोग समझते ना बड़ी ग्लैमरस लाइफ है ये और वो, हम एक आम सादी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम आम सादड़े से लोग हैं। करती है गाड़ी पार्क, और हम जा रहे हैं रंग महल। इस पर हमारा सफर शुरू हो गया है रंग महल। महंगी महंगी परिस्थित में ये देखी यहाँ से बन थी, इधर नौस्तान जा रहा है इसलिए ठीक है ना। आई हुई हूँ रिक्शो में, यहाँ से मनसन में, ओह माय गॉड, मैं क्या करने लगी हूँ, रुस करना थी। आई वॉर्ड एक ही सेट में, उसके मेरी तबीयत ठप हो गई है। ब्रास का सेट जो आज खुदा में अभी तो 16,000 में मिल रहे हैं, मुझे चले ना 13,000 में बड़ा बड़ी हूँ। लेकिन लोगों ने कहा कि वो किसी सूरत तस्वीरें नहीं मेरे देंगे, प्रॉकृतिक सुगंधें नहीं, और काफ़ी सारी शॉपिंग की है और काफ़ी अच्छी वाली शॉपिंग की। टॉनी है, क्रॉकरी है, आइटम्स हैं जो डेकोरेशन की होती है। असल मसला सिर्फ यहाँ आने का है, बाकी यहाँ रेट्स आप काफ़ी बार्गेन कर सकते हैं। ये लोग 75,000 बताते हैं और फिर 40-45 पे बेच देते हैं।
रिक्शे में बैठ कर जा रहे हैं पैदल, उनके सामान इतना सारे और वो पीछे रास्ते पर सड़क ब्लॉक थी। दैट इज बाय रावी कहता है कि आप आए जब शालम मार्केट। सोच समझ के आए, एक जब आप अंधेरी सड़कों से बचे, दूसरा रावी ये कहता है कि जांच पड़ताल करके खरीदारी करें, ये ना हो आप लुट जाए। सामान खरीदने के बाद अगला मरहला होता है सामान को गाड़ी में फिट करने का। मैंने ये किया अपनी गाड़ी के साथ, चेक करें जरा, गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं है भाई, चार लोगों को समय पिकअप के पैसे बचाने, बड़ी गाड़ी में सब ठीक आ गई। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने अपनी कोशिश से बहुत अच्छा और बहुत मतलब वायबली सस्ता सामान खरीदा है। लेकिन सस्ते का मतलब ये नहीं है कि ये वो नहीं नहीं महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, वो वाला नहीं है सीन। सीन बस ये है कि मैंने वो चीज़ें खरीदी हैं जो मार्केट में आपको ज़्यादा महंगी मिलेंगी, लेकिन क्योंकि आप शालमी गए हुए हो शालम मार्केट, तो वहाँ पर आपको सस्ती मिल जाएंगी, वहाँ से सस्ती मिली है वो ली है। और जो फैशनेबल चीज़ें आजकल की डेकोरेटिव आइटम्स कोई जो होते हैं लैम्प्स एंड लैम्प शेड वो सारे लिए, और बहुत खूबसूरत रात है और मैं हूँ। और जब अगर आप शालम मार्केट जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली कौन सी दुनिया में रहते हो। वो चीज़ें जो बाहर मार्केट में आपको 15,000-16,000 यानी मार्केट से मुराद मेरी गुलबर्ग में या डिफेंस में आपको 16,000-15,000-20,000 की मिल रही है, वो आपको वहाँ पर 8,000-9,000 इस रेंज में मिलेंगी। सो फ्रैंकली अगर आप हिम्मत है मेरी तरह थोड़ी सी एफर्ट करें तो यकीन करें आपको बहुत मतलब वारे की बचत है। क्योंकि हमारा पूरा कंटेनर के लिए हमारा पूरा ट्रक जाना है यहाँ से सामान का लोड होके, तो मैं चाह रही थी कि उससे पहले पहले मैं मतलब ये वाली ख़रीदारी करके साथ भेज दूँ कि ये वो चीज़ें जो बाद में जा नहीं सकती, क्यों ऐसे गाड़ी भर के मैं बच्चे का फेंकूँगी भाई। तो आई होप यू पीपल इन्जॉयड द व्लॉग, और मैं कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर सकती, आई वॉज सो ओवरवेल्ड शॉपिंग में एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन टॉक एंड टॉक एंड टॉक और आप आवाज क्या लेंगे। लेकिन आई हैड अ ब्लास्ट, आई होप आप भी आए, आप भी देखें, आप भी करें एक्सपीरियंस इस चीज़ को शालम मार्केट में। बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाने के बजाय छोटी छोटी दुकानों पे, छोटे छोटे जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनका भी रिस्क चलाने की ज़रूरत है। एंड वो इस वक्त थोड़े से मजबूर भी हुए हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि आजकल पेट्रोल हाइक की वजह से, बिजली की हाइक की वजह से कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। सो वो कोशिश करें निकाल दो निकाल दो निकाल, दैट काइंड ऑफ सीन। तो आप भी आए ज़रूर, चेक करें और हमारे व्लॉग पे कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।